अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट वारिस अली राना। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कोरोना वायरस की जो वबा है वो फैलती जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन इस पर जो हुकूमत ने अपनी नाअहली और मुजरमाना गफलत दिखाई है वो ये है कि कोरोना पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल था। जब इटली, ईरान और चाइना जैसे मुल्क इस पर ठीक से या आसानी से काबू ना पा सके, इस बीमारी का सद्देबाप ना कर सके, तो ये हमारे लिए पाकिस्तान में ये वायरस सबसे आखिर में आ गया है। और लेकिन अभी तक जो हुकूमत की गफलत है वो जारी है कि ईरान से परवाज़ें आज भी आ रही हैं, जो ज़ायरीन हैं वो आज भी आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए या उनकी टेस्ट करने के लिए उन कोई प्रॉपर जो इंतज़ाम हैं वो नहीं किए गए। देखें, आज तक ईरान से परवाज़ें आ रही हैं जिनके स्क्रीनिंग के लिए कोई मियारी तरीक़ाकार नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज़ पाकिस्तान के शहरों और देहातों में फैल चुके हैं। तकरीबन 800-750, अभी एक डन न्यूज़ की मैं खबर पढ़ रहा था, 780 अपराध हैं जो मज़ीद आए हैं, जो ये ज़ायरीन या जो बाहर से मुख्तलिफ शहरों से, ज़्यादातर ईरान से ही आ रहे हैं। तो हुकूमत का इसका बेहतरीन हाल ये था कि ईरान से ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते आर्थिक तौर पर मुअत्तल कर दिए जाते, और इस दौरान जो वहाँ से आने वाले अफराद थे उनको जो वो बनाए जाते हैं, जिनको क्वारंटाइन कहते हैं, करंतेनिया को इस तरह का कोई लफ्ज़ है उसको कहते हैं, तो मतलब अलग एक मरकज़ बनाए जाते हैं, वहाँ पर वो उनको रखा जाता। और इसके लिए कोई नई बिल्डिंग वगैरह उसको सरकारी तौर पर करने की ज़रूरत नहीं, इस पर इतना को खर्चा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि किसी भी सरकारी स्कूल जो ऑलरेडी उनमें छुट्टियां दे दी गई थी, वहाँ पर सरकारी स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ खाली कर ली, करवा चुके थे, हम छुट्टियाँ दे चुके थे, क्योंकि ये इसी वबा की वजह से वहाँ पर इन ज़ायरीन को 15-20 दिन के लिए अलग कमरों में रखा जाता और फिर इनके टेस्ट करके आगे जाने की इजाज़त दी जाती, मगर ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान में कोरोना के कितने मरीज़ हो सकते हैं इसका अंदाज़ा तो इससे लगा लें कि मौजूदा तादाद सिर्फ 2 दिन में ये ताबतान से आए हुए लोगों की है। ये जो सिर्फ 3 दिन पहले 52 मरीज़ थे और आज अभी तक की रिपोर्ट है वो 215 की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में, 215 और इससे मज़ीद भी आगे जा सकते हैं। ये ताबतान से आए हुए जो लोग हैं, तो इन लोगों के पहले हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आ चुके थे जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, इससे पहले जो आए हैं इससे पहले भी हज़ारों आ चुके हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो अपने अपने घरों में जा चुके हैं, तो अपने पाकिस्तान में फैल चुके हैं। तो अल्लाह ना करे कि आने वाले 10-15 दिन में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो सकती है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जितने लोग जो आ चुके हैं इन सब का डाटा ले और इनको फौरन इन तक रसाई करे, इनको पकड़े, इनके टेस्ट करे, इनको अलग करके रखे, क्योंकि ये मसला जो हमारी मुईशत का भी है, कौम का भी है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये इंसानी जानों का मसला है, जिस पर ये हुकूमत की एक मुजरमाना ये मुजरमाना गफलत है, लापरवाही है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त था, क्योंकि सब सारी दुनिया से होकर ये वायरस हम तक या हमारे मुल्क तक आया है, इससे पहले सारी दुनिया में घूम रहा था, तो हमारे पास बहुत वक्त था इसके इंतज़ाम कर लेते, इसके मतलब हमारे पास बहुत वक्त था कि इसका सारे इंतज़ाम हमारे पास हो सकते थे, मगर हमने ये नहीं किए। तो अब आज जो PSL है उसका भी जो ख़त्म कर दिया गया, उसका भी पता चला है कि एक खिलाड़ी है शायद गालबन न्यूजीलैंड के हैं,
एलेक्स हेल उनका नाम है, वो भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इस वजह से फिर मजबूरन कुछ तो जो पेशावर गर्मी है उसके तो कल ही या परसों ही जो बिरौने मुल्क से आए हुए खिलाड़ी थे वो जा चुके थे, तो लेकिन अभी इन्होंने सोचा था कि टूर्नामेंट हम करवाएंगे जारी रखेंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल उन्होंने खेलने से ही माजरत कर ली कि हमारे खिलाड़ी नहीं रहे। उसके बाद जो मसला बना वो ये वाला है कि खिलाड़ी को लो जो वो वायरस की तशखीस हुई उसमें जो वो उसको भेज दिया गया, लेकिन उसको बताकर भेजा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो कराची किंग्स में खेल रहा था। अब कराची किंग्स के सारे अमले के भी टेस्ट होने चाहिए, और जो वहाँ पर इंतज़ाम वगैरह कर रहे थे या जो उनके देखभाल के लिए जो मुलाजमिन या तो अमला वगैरह उनके भी टेस्ट वगैरह होने चाहिए। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। वज़ीर आज़म जो कौम से खिताब का भी कह रहे हैं आज शायद वो करें, लेकिन खिताब से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा वो करते नहीं हैं, एहतियात नहीं बरतते वो, बल्कि ज़्यादा तो इसी बात पर ही अटके हुए हैं कि कोई काम नहीं, ज़िंदगी मौत से एक दिन ली है, जदों फिर आई उदों फिर आ ही जानी है, वो एहतियात कोई नहीं। फिर ये इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, तो कोशिश वैसे करें बचने की, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है। जब तक इंसान की ज़िंदगी लिखी है वो उसने पूरी करनी, जितनी सांसें उसकी लिखी गई है वो पूरी करनी, लेकिन उसके अलावा एक फ़र्ज हमको कुरान ने भी दिया है, अल्लाह का हुक्म भी है कि जो अपनी जान की हिफाजत करना, ये मुझे अपनी जान की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है, तो वो उस लिहाज से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अकीदा हमारा बेशक ज़िंदगी मौत का यही है कि वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के, क्योंकि इंसान को शऊर दिया गया है अल्लाह की तरफ से, तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में रखी हूँ, वो है कोशिश। अक्सर आपने वज़ीर आज़म को भी सुना होगा, वो ये जुमला बहुत बोलते हैं कि इंसान के हाथ में कोशिश है, कामयाबी अल्लाह देता है। तो कोशिश है आप जो हमारे लोग हैं वो बड़ी कम करते हैं, क्योंकि जो एहतियाती तदाबीर में है ठंडी चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है मामूल के मुताबिक हो रहा है। तो एक खबर हो जो एक और खबर जो आज सामने आई मीडिया की तरफ से, जो हमारा मीडिया है ये इसका किरदार इंतहाई मनफी है, बड़ी ही मनफी सोच के तहत ये रिपोर्टिंग करते हैं। सारे चैनल्स ने एक मस्कत से आया हुआ एक शख्स था, उसे जिगर का आर्जा था, वो जिगर के आर्जे की वजह से दो तीन दिन पहले वो न्यू हस्पताल जो के लाहौर में है वहाँ पर उसे रखा गया, उसे भी कोरोना का मरीज़ बताते रहे ये मीडिया वाले, लेकिन अब हकीकत सामने आई है कि वो कोरोना की वजह से नहीं बल्कि उसे जिगर का आर्जा था जिसकी वजह से वो फोत हो गया। लेकिन जो मीडिया ने मनफी रिपोर्टिंग की है उसकी रिपोर्टिंग में ये कहा गया है कि वो कोरोना की वजह से मर गया पहला शख्स, मतलब ये है जान पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये अफरा तफरी, ये अवाम में मायूसी देखना चाहता है हमारा मीडिया, ये चाहता है अवाम बददिल हो जाए, लोग डर के मारे अंदरों में घुस जाएं, बाहर ना निकले, तैयार करें, देखें जो चीज़ करने वाली है वो आपका काम है, लोगों को एहतियाती तदाबीर के साथ उनमें आगाही करना, उनको आगाही का शऊर देना कि ये मामला है, ये मसला है, ये बात ठीक नहीं कि आप मनफी रिपोर्टिंग करके अपने मुल्क का नुकसान करें, आपके मुशरत तो पहले ही आपका बेड़ा, कल जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई थी ऑलरेडी, वो तो जब वो मार्केट गिरती है फिर सारी बात है उसका असर सब पर पड़ता है, वो अमीर पर भी गरीब पर भी, अमीर थोड़ा कम महसूस करते हैं लेकिन गरीब की ज़िंदगी तो पहले ही वो ऐसे हालात में गुजर रही है, वो महंगाई का आलम है, लेकिन जब ऐसे आलमी वबा एक फैली हो वहाँ पर मार्केट जो आपके बंद हो, क्या कहते हैं तजारती रास्ते सरहदें बंद हो, तो ऐसे में जो क्रैश कर जाना मार्केट था तो उसके बाद यकीनन महंगाई की सूरत में वो क्रैश जो कर जाती हैं मार्केटें उनका फिर
तो लिहाजा सबको भुगतना पड़ता है और वो महंगाई के ज़रिए ही भुगतना पड़ता है। लेकिन आप मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। आप मतलब एक वबा ऑलरेडी लोगों में एक डर तो है, खौफ तो है, लेकिन वो अलग बात है, लोग हंसते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करवाते। ये बारी कौम का वो क्या कहते हैं, एक अहमियत समझ लें, ये हमारी कौम का एक जज्बा समझ लें कि वो घबराते बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं घबराना नहीं, वज़ीर आज़म के कहने के बगैर ही हम ये अकीदा रखते हैं, हम घबराते ही नहीं। जैसे कोई जैसे पीछे देखा गया, जो पीछे इंडिया के साथ मामला हुआ, वो मज़ाहिर रख कर बैठे थे, लेकिन हमारी कौम शुगल पानी और जुगत पानी पे लगी हुई थी, क्योंकि हम घबराते नहीं हैं। तो लिहाजा ये मस्बत रिपोर्टिंग किया करो, खासकर ये मीडिया खबरों पर लोग यकीन ना करें, ये आधे से ज़्यादा अपनी रेटिंग के चक्कर में होते हैं, बल्कि ये तकरीबन टोटली सारा 90% इनकी यही कोशिश होती है कि रेटिंग मिले किसी भी तरह से। तो वो ये खबर में अफरा तफरी एक हजान की कैफियत पैदा करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल आप ना इन पर बातों पर ध्यान ना दें, दफ़ा करें इनको, इनको इनकी रिपोर्टिंग पे बिल्कुल। हाँ, जो मुस्बत कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपने ज़ाती अकाउंट से, कुछ ऐसे गैरतमंद जो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो अपने ज़ाती अकाउंट जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन पर आप देखें, उन पर नज़र रखें, उनसे आप उनकी बातों पर यकीन किया करें। लेकिन ये जो चैनल की खबरें हैं ना, इन पर बिल्कुल एतबार ना करें। बाकी ये बड़ी शर्म की बात है जो ये करते हैं हमारे मीडिया के चैनल्स वगैरह, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको, मैं आपके लिए ही, आपकी आगाही के लिए, आपके शौर के लिए वीडियोज बनाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन है वो बिल्कुल फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते, आपने बटन दबाना और बेल के बटन पे जो आइकन बना हुआ है, एक बेल का निशान है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।